बेटा अभी आपके सामने लेकर आया हूँ एक बिल्कुल लेटेस्ट लॉन्च प्रैक्टिस पेपर, ठीक सीबीएसई के केमिस्ट्री के पेपर से पहले पहले। तो बच्चों इसमें क्या है कि डीओई डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली का पेपर दिया हुआ है ये वाला, और इसका सामने ही बैठे सोल्यूशन है। बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा, बहुत ध्यान से देखते जाना मेरे साथ। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक होते हैं 2 मार्क्स के, और इस बार जो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है वो आ रहा है कि आपको ग्राफ दे रखा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से, जिसमें से पूछा है कि इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्टूडेंट्स आपको अच्छे से याद होगा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है जो जो होता है, कौन सा वाला, स्ट्रेट लाइन वाला जो है बच्चों, वो होता है जो स्ट्रेट लाइन वाला जो होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इसका आंसर क्या है बेटा, ए। देखो आपके सामने लिखा है ना कि ए जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि उसमें ग्रेगुलर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद बच्चों आपसे पूछा है कि बी की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकालेंगे। देखो बच्चों बी की ग्राफ से तो निकलेगी नहीं, तो किससे निकलेगी, कोलेराउस लॉ से निकलेगी, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो भी गया। देखो उसके बाद बच्चों सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि ऑर्डर और मोलिकुलैरिटी में डिफरेंसेस बताइए। बच्चों ऑर्डर जो होता है वो एक्सपेरिमेंटल होता है, मोलिकुलैरिटी थ्योरिटिकल होती है। ऑर्डर 0 भी हो सकता है, लेकिन मोलिकुलैरिटी कभी भी 0 नहीं होती, तो ऐसे कोई भी आप डिफरेंसेस लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो वो आ रहा है कि आप प्रोपेन अमाइन को जीपीएस रिएक्शन यानी कि गैब्रियल थेलीमाइड सिंथेसिस से कैसे बनाओगे। बेटा प्रोपेन अमाइन बनाना चाहते हो तो प्रोपेन का आप एक हेलोजन ले लो, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पर दे रखा है ना, यहाँ पर इन्होंने क्या देखो यहाँ पर दे रखा है कि क्लोरो प्रोपेन या ब्रोमो प्रोपेन ले लो इन प्लेस ऑफ आरएक्स। आई होप जो आपको जीपीएस रिएक्शन लिखना आता होगा बेटा। उसके बाद जो हम सेक्शन बी पर देखो आ भी गए। सेक्शन बी में कह रहे हैं कि अगर हम फेरिक हाइड्रोक्साइड के साथ FeCl3 को शेक करेंगे तो क्या होगा। बेटा ये ना पेप्टाइजेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। देखो लिखा हुआ है ना आंसर के अंदर पेप्टाइजेशन, ये सरफेस केमिस्ट्री में से है। कह रहे हैं बीम ऑफ लाइट अगर पास करेंगे टिंडल इफेक्ट, बच्चों 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 को पता है। देखो इसमें डेफिनेशन को मतलब जैसे प्रोसेस को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे। इलेक्ट्रिक करंट वाला कौन सा होता है बेटा, इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है। ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पर इलेक्ट्रोफोरेसिस। उसके बाद बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्स्ट इक्वेशन की एक क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना नर्स्ट इक्वेशन के। देखो इसमें ना इन्होंने, मैं आपको एक चीज़ ऐड कर देता हूँ, बल्कि मैं आपके लिए एक चीज़ इसमें ऐड कर देता हूँ। मैं यहाँ पे नंबर भी बता देता हूँ आपको कैसे कैसे अलॉट होंगे। बच्चों इसमें क्या होता है कि जैसे कि ये वाला जो पोर्शन है ना, यहाँ तक पहुँचने का आपको मिल जाता है 1 मार्क। ये अगर हाँ 3 मार्क का है ना, 1 मार्क यहाँ मिल जाएगा, 1 मार्क यहाँ मिल जाएगा, 1 मार्क यहाँ मिल जाएगा, यानी कि 3 नंबर आपके हो जाएंगे। वोल्ट लिखना मत भूलना, ये स्क्वायर लगाना मत भूलना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। इक्वेशन बनानी बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। और बच्चों ऑप्शन के अंदर कोलेराउस लॉ के ऊपर बेस्ड ही क्वेश्चन आया हुआ है। एसिटिक एसिड की अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो बच्चों आप ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू को ऐड कर दोगे और NaCl की माइनस कर दोगे, ठीक है। और हाउ मच एसिटिक एसिड इज अनआयनाइज्ड, ठीक है। तो पहले आप अल्फा निकाल दो, उसको 100 में से माइनस कर देना, ये वाला फॉर्मूला लगा के, है ना। उसके बाद बच्चों आप देख रहे हो कि ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग मेरे लिए है कि यहाँ पर इन्होंने ना एक क्वेश्चन, अच्छा ठीक है वो हिंदी में था, सॉरी सॉरी बच्चों। और उसके बाद बच्चों यहाँ पर काइनेटिक्स का एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आ गया, बहुत आसान, कि 20% 20 मिनट जो है 50% कंप्लीशन में लगते, तो 90% में कितने लगेंगे। तो पहले आप के निकाल लेना बेटे। देखो के निकालने के नंबर होते हैं बच्चों, के प्रॉपरली निकालना। के निकालने का 1 मार्क आपको मिलेगा, फिर के निकालने के बाद आप पूरा लॉग अपना जो आर नॉट बाय आर वाला फॉर्मूला होता है वैसे कर लेंगे, है ना। फिर टेबुलर क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट फेवरेट क्वेश्चन होता है ये वाला, कि जिसके अंदर आप जो है वो डिवाइड कर देते हो। ये एक्चुअली NCERT के ही अंदर से टेबल लिया हुआ है, ठीक है। तो ये टेबल वाला क्वेश्चन जो है आपको बहुत अच्छे से करना आता ही है, कि इसमें क्या करना है आपको, इसमें आप क्या करना, पहले फर्स्ट और सेकेंड एक्सपेरिमेंट डिवाइड करना, इससे आपका बी कट जाएगा और एक्स की वैल्यू निकल आएगी। और उसके बाद फिर आप क्या करना, आप जो है वो सेकेंड और फोर्थ एक्सपेरिमेंट ले लेना, सेकेंड और फोर्थ ले, सेकेंड थर्ड और फोर्थ ले लेना, है ना। आपको क्या करना चाहिए, हाँ ठीक है, क्योंकि इस बारी हम ए तो निकाल चुके हैं, हमें बी काटना है, बी हमें बी चाहिए इस बारी। तो हम ऐसा करते हैं ना, इसके अंदर हाँ फर्स्ट और थर्ड अगर ले लेंगे तो उसमें ए कट जाएगा लेकिन बी की वैल्यू निकल आएगी। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था बच्चों ये वाला भी। उसके बाद बेटा अगर आगे चलते हैं, इसका यूपी एक नेम चाहिए आपको। गलती इसमें बच्चे क्या कर देते हैं, EN क्या होता है, इथेन 1,2-डायमाइन, लेकिन साथ में यहाँ पर क्या लगाना चाहिए आपको, बिस लगाना मत भूलना, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपसे क्या पूछा है कि इसकी मैग्नेटिक नेचर पता लगाओ। डाया मैग्नेटिक होता है बच्चों ये वाला, और ये होता है स्क्वायर प्लेनर। और हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है इसकी, D2SP3। ये प्रॉपरली ऐसे करके दिखाना और आपको मार्क्स मिल जाएंगे बच्चों पूरे यहाँ पर 3, है ना। जिंक को क्यों नहीं मानते बच्चों ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि जिंक जो होता है उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता ना, डी ऑर्बिटल में कंप्लीटली फिल्ड नहीं होना चाहिए ना,
क्रोमियम रिड्यूसिंग क्यों होता है? क्रोमियम रिड्यूसिंग इसलिए होता है क्योंकि क्रोमियम चाहता है कि मैं क्रोमियम 3+ बन जाऊँ, Mn3+ चाहता है कि मैं Mn2+ बन जाऊँ, ये सामने इसका आंसर है। और कैटलिटिक एक्टिविटी बेटे अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। उसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट है, एम्बीडेंडेंट लिगेंड कौन सा होता है? एम्बीडेंडेंट लिगेंड वो होता है जो एक ही साथ, मतलब जैसे NO2 जो है वो ONO बन सकता है, SCN जो है वो NCS बन जाता है। चिलेट कॉम्प्लेक्सेस कौन से होते हैं? जिनमें डाइडेंडेट लिगेंड्स इन्वॉल्व होते हैं, पॉलीडेंडेट लिगेंड इन्वॉल्व होते हैं, वो चिलेट लिगेंड्स होते हैं। उसके बाद बच्चों बेसिक स्ट्रेंथ की बात आ गई, बेसिक स्ट्रेंथ की बात आ गई तो पैरा ब्रोमो एनिलीन, एनिलीन से आपको पैरा ब्रोमो एनिलीन बनाना है, पहले एसिड एनालाइड बना लेना बेटा आपको। तो देखो बच्चों एनिलीन से पैरा ब्रोमो एनिलीन बनाने के लिए पहले एसिड एनालाइड बनाते हैं, भी एनसीईआरटी से ही है। फिर तो उसके बाद बच्चों देखो पैराटोलीडाइन जो है, हाँ बेटा, तो जैसे आपको पैराटोलीडाइन जो है वो उसमें मिथाइल ग्रुप होता है, तो मिथाइल ग्रुप अच्छा होता है बेसिक स्ट्रेंथ के लिए, तो इसकी हाईएस्ट बेसिक स्ट्रेंथ बीच में ही आएगा, फिर ये आ जाएगा। अमोनिया बीच में आएगा, इथेनामाइन अच्छा होगा, एनिलीन वीकर बेस होता है क्योंकि उसमें रेजोनेंस होती है। एनिलीन फील्डक्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं करता बेटा? क्योंकि वो सॉल्ट बना लेता है AlCl3 के साथ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एनिलीन लेस बेसिक होता है क्योंकि अभी पता है ना रेजोनेंस की वजह से लोन पेयर अवेलेबल नहीं होता, ये देख लो, देख रहे हो रेजोनेंस की वजह से उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। जीपीएस रिएक्शन से एरोमेटिक अमाइन क्यों नहीं बनता? क्योंकि हेलोरीन जो होते हैं ना, अराइल हैलाइड, वो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन मुश्किल से करते हैं। उसके बाद बच्चों यहाँ पर हम देख रहे हैं तो एक कन्वर्जन से ब्रोमोमीथेन से थनोइक एसिड बनाना चाहते हो, KCN यूज कर सकते हो। और उसके बाद बच्चों आपको बोला है बेंजीन से पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड बनाना चाहते हो, तो पहले आप जो है वो बेंजीन से बना लो, पहले ना पैरा पर नाइट्रो लेकर आना जरूरी रहेगा इसके लिए। तो मेरे हिसाब से आप जो है इसमें कैसे करेंगे बच्चों इसको, पहले आप टॉलिन बना लेना इसको, टॉलिन का नाइट्रेशन करके NO2 जो आ जाएगा, फिर आप जो है उसमें KMnO4 करके ओइक एसिड पर आए, फिर उसका आपने कर देना है हाइड्रोलिसिस, ठीक है, टॉलिन से बना लेना। क्योंकि ना पहले पैरा डायरेक्टर चाहिए, बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड रोसेनबर्न रिडक्शन करके हो सकती है। उसके बाद बेटे आइडेंटिफाई करने वाला क्वेश्चन है, बेंजीन का असाइलेशन करोगे एसिटोफिनोन आएगा, क्लेमेंजन रिडक्शन करोगे तो इथाइल बेंजीन आएगा, इथाइल बेंजीन में KMnO4 करोगे तो बेंजोइक एसिड आएगा, और एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन में जब आप बच्चों क्या ऐड करोगे, एसिटोफिनोन में जब आप क्या ऐड करेंगे, एसिटोफिनोन में जब आप NaOH करेंगे तो बना देना एल्डोल कॉन्डेंसेशन वाला रिएक्शन, ठीक है ना, एल्डोल कॉन्डेंसेशन वाला रिएक्शन। इसको मैं करके दिखा देता हूँ, जैसे कि ए जो है बच्चों वो बेंजीन बने, ए जो है वो क्या बनेगा, एसिटोफिनोन बनेगा। मैं इसका एल्डोल भी कर देता हूँ बच्चों आपके लिए। एल्डोल रिएक्शन में क्या करना होता है, एल्डोल रिएक्शन के अंदर इसी को दोबारा लिख के ऐसे लिखना कि इसका अल्फा हाइड्रोजन जो है वो हो जाएगा ऐसे अलग से, ठीक है ना, एच को यहाँ भेज देंगे और ये पूरा का पूरा यहाँ आ जाएगा, यानी कि आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी C6H5COH, then you have this CH3 and this entire thing is attached with this, like this CH2 C double bond O and then benzene, then you have to do the condensation, so आप यहाँ से water को बाहर निकाल सकते हैं। देखो यही आ रहा है, condensation करने की ज़रूरत नहीं, आगे का step नहीं बताया ना आपको। और बाकी तो ये देखो इधर जो है वो benzoic acid बनना था, यहाँ पर जो C है, यहाँ पर जो C है वो benzoic acid बनना है ना, KMnO4 वाला। आफ्टर दैट बेटा आप देखेंगे यहाँ पर कि हम जो है वो बहुत जल्दी पहुँच गए हैं केस स्टडी वाले क्वेश्चन के ऊपर। एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स, वाई सो, बिकॉज इन केस ऑफ एल्डिहाइड्स, इन केस ऑफ कीटोन टू आर ग्रुप्स आर देयर विच विल कॉज स्टेरिक इंडरेंस, है ना, और इंडक्टिव इफेक्ट भी लगाएंगे उसके अंदर। फिर बच्चों यहाँ पर क्या करना है, ये सेमी कार्बाजाइड वाला है, यहाँ से वाटर बाहर निकाल देना बस, ठीक है, देखो यही बन जाएगा। उससे कहते हैं बेंजल्डिहाइड को आप ज़्यादा रिएक्टिव मानोगे, क्योंकि हम बोलेंगे हम उसको कम रिएक्टिव मानेंगे क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है वो, है ना, रिएक्टिविटी उसकी कम है, उसके ऊपर पोलैरिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है। अच्छा, उसके बाद साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड में अगर फिनाइल MgBr करोगे, ग्रिग्नार्ड रिजेंट आपको यूज़ करना आना चाहिए। बेंजल्डिहाइड और प्रोपेनल में कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, बेंजल्डिहाइड जो है वो फेलिंग रिएक्शन नहीं करेगा लेकिन प्रोपेनल कर जाएगा। तो देखो बच्चों कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था पेपर ये वाला, हमने बहुत इजीली, मैंने सिर्फ 10 मिनट के अंदर आपके सामने पूरा पेपर सॉल्व करके दिखाया है आपको। मार्किंग स्कीम यहाँ पर है, आप उसको भी देख सकते हो, आप इसको भी देख सकते हो, एक एक क्वेश्चन मैंने आपको समझाया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।